राजरतन ग्लोबल। सर, राजरतन में ह्यूज लॉस है, 1300 की परचेज है, आई गॉट टाइम टू होल्ड इट, टेल मी लेवल्स टू एवरेज और आई क्विट विद लॉस। राजरतन ग्लोबल बहुत अच्छी कंपनी है, हमने 250 रुपये में लिया था और मैंने 1100 रुपये में निकाल दिया स्टॉक को पर्सनली। अभी निकाला है रिजल्ट के बाद, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है इनका क्वार्टरली। एंड आपने जो लिया है थोड़ा सा महंगा ले लिया है, बट अगर आप इसको होल्ड रख सकते हो आने वाले 1-1.5 साल तक, तो आपका पैसा भी बन जाएगा वापस, दिक्कत नहीं है। बट फॉर द टाइमिंग अभी क्योंकि करेक्शन जोन में है, और जब तक ये 950 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा डाउनसाइड 750 से 700 रुपए तक आ सकता है एक बार के लिए। अब वो जोन होगा जहां पर आप एवरेज करो। मैं इसको अगर आप रख सकते हो तो निकालने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका बाइंग बहुत ऊपर है, 1300 रुपए का है, जो बहुत ही महंगा जोन था। क्योंकि आप अगर इसका पिछले वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में देखोगे कंचन, तो आप देखोगे स्टॉक जो रिटर्न दिया है कम से कम 12-15 गुना हुआ है लास्ट 1-1.5 साल के अंदर। आप मंथली चार्ट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसलिए तो बहुत ज्यादा ऊपर के भाव में ले लिया आपने। अब फंडामेंटली ज्यादा बुरा कंपनी नहीं है, बट थोड़ा सा रिजल्ट, इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया, और इसीलिए ही यहाँ पर करेक्शन आते हुए दिखा। जी।